नमस्कार साथियों, मैं इंतजार कर रहा हूँ कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर आगे बात करते हैं। हाय साथी, नमस्कार साथियों, और धीरे धीरे साथी लोग जुड़ रहे हैं, मैं बात करता हूँ, थोड़ा और इंतजार कर ले रहे हैं कुछ लोग जुड़ जाएं। हाय हाय अफसर बाबू, नमस्ते। ठीक है भैया, शुरू करता हूँ। शुक्रिया भैया। हाय, मैं जगन्नाथ आगाज के फेसबुक पेज से लाइव हूँ, और आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में छात्र किस तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। इस विषय पर हम सब जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने आया है, और इसके वजह से दुनिया भर लॉकडाउन से झेल रहे हैं। हम सब भी लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, और घरों से ही फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। इस लॉकडाउन ने तमाम तरह की दिक्कतों को बढ़ाया है, और छात्र भी इससे वंचित नहीं हैं। छात्रों को भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों को विशेष तौर पर, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि इसी के इर्द गिर्द बात रखने की। दिल्ली विश्वविद्यालय में 13 मार्च को पहली बार कॉलेज बंद किया गया था, और उसके बाद 16 को लाइब्रेरी और तमाम तरह की ऑफिस वगैरह भी बंद कर दी गई। इसके बाद उसी के अगले दिन 17 तारीख को, 16 या 17 को प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं जनता कर्फ्यू को लेकर 22 को। इस बीच तमाम तरह के छात्र को अनुभव हो जाता है कि शायद लॉकडाउन जैसी स्थिति यहाँ भी आने वाली है। कुछ लोग ट्रेन की बुकिंग करवाते हैं तुरंत, बिहार और यूपी जैसे जगहों के लिए तुरंत टिकट तो नहीं मिल पाता, तो कुछ समय लगता है, एक दो दिन। मैं भी उसी में से हूँ, तो मैंने टिकट बनाया था 24 को, लेकिन 22 के बाद पता चला ट्रेन कैंसिल हो गई। तो बहुत सारे लोग यहीं फंस गए और वो घर नहीं जा पाए। फिर लॉकडाउन 22 जिसे जनता कर्फ्यू था, उसी रोज दिल्ली विश्वविद्यालय एक नोटिस निकालती है कि हॉस्टल के तमाम सारे छात्रों को खाली करना पड़ेगा और हॉस्टल लॉक की जाएंगे। तो काफ़ी अफरा तफरी मच जाती है, और लोग छात्र सोचने लगते हैं क्या किया जाए। उसी दौरान दिल्ली में जिनके मित्र हैं वो अपने मित्र के यहाँ चले जाते हैं, और बाकी जो है वो ट्रेन का वेट करते हैं। किसी तरह दिक्कतें होती है उनको, सोचते हैं क्या किया जाए। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी ट्विटर और सोशल मीडिया के मार्फत से काफ़ी कम शिकायत भेजते हैं MHRD में और दिल्ली यूनिवर्सिटी को। फिर जाके दो दिन के बाद MHRD नोटिस निकालती है कि जो छात्र जहाँ हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाए, और यह विश्वविद्यालय की दायित्व है कि उनकी खाने और रहने की उचित व्यवस्था की जाए। और होता है अंततः यही, लेकिन इसी दौरान बहुत सारे छात्र जो हॉस्टल से निकल चुके होते हैं उनको वापस नहीं आने दिया जाता है। और एक छात्र है, हमारे मित्र हैं, गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, तो वो जब वापस आती हैं तो उन्हें आइसोलेशन कह के उसे उसके घर में रूम में बंद कर दिया जाता है, बाहर से लॉक कर दिया जाता है, खाना पीना बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद तमाम तरह की सोशल मीडिया पे जब एक्टिविटी होती है, लोग शिकायत करते हैं, न्यूज़ जब बाहर आते हैं फिर जाके उन्हें रूम खोला जाता है और फिर वो रहती है। लेकिन उसके बाद जो भी छात्र आना चाहते हैं उनको हॉस्टल अलाउ नहीं करती है। और दूसरी चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि एक छात्र जो होता है वो बचपन से ही, स्कूलिंग लाइफ से ही समूह में रहना पसंद करते हैं, और एकांत उन्हें मतलब ज़्यादा फाता नहीं है। हम सब भी जानते हैं इस चीज़ को बेहतर तरीके से। तो अभी लॉकडाउन के वजह से हम सब अकेले अकेले रूम में बंद हैं, और हम लोग के ज़्यादातर मित्र जो है चले गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, उनसे फ़ोन पे तमाम तरह की
माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से बात होती है, लेकिन हम रूम से चूंकि निकल नहीं पाते हैं तो एक परेशानी सी मतलब एकदम बना रहता है हमेशा, और अलग सी घबराहट और न जाने मानसिक कैसे कैसे मानसिक यातनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। और भी तमाम तरह की दिक्कतें होती है हम छात्रों को, और सबसे जो बड़ी दिक्कतें हैं छात्रों को लेकर ये खाने की दिक्कत, खाने को लेकर दिक्कत होती है। मैं जहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के पास जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ तकरीबन दिल्ली विश्वविद्यालय के 1000 से 1500 छात्र रहते हैं, और यहाँ के ज़्यादातर छात्र छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पर, और उनके पास खाना बनाने की सुविधाएं नहीं है। तो वो ज़्यादातर छात्र या तो हॉस्टल के मेस पे या फिर बाहर ढाबा है उस पर डिपेंड है, तो वहीं से वो अपना खाना खाते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के वजह से मेस ढाबा बंद हो गया और हॉस्टल की जो मेस है उसे पहले ही बंद कर दिया गया बाहरों के लिए, उसमें बाहर हॉस्टल से बाहर आना जाना बिल्कुल बंद है, उसमें हम खाना खाने के लिए जो बाहरी लोग थे उन्हें भी मना कर दिया गया। और दूसरी जब लॉकडाउन की वजह से ढाबा भी चूंकि बंद हो गई है तो लोगों को खाने की सबसे बड़ी दिक्कतें हो रही है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास बनाने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, कभी कभी मैं बुला लेता हूँ अपने रूम पे और कहता हूँ मतलब खाना खिलाता हूँ, बाकी ज़्यादातर लोग इधर उधर घूम के खा रहे हैं, दिन में नहीं खा पाते। एक तो पुलिस वार्ड सख्त पहरा देती है तो वो आ नहीं पाता दिन में, रात में किसी तरह चुप चुप के आते हैं और हम आपस में मिलके खाते हैं। सेम विजयनगर की स्थिति है जो मेरे बगल में ही है, वहाँ पे तो काफ़ी हजारों संख्या में बच्चे रहते हैं, वहाँ पे भी यही स्थिति। वहाँ पे एक चूंकि कोरोना के केस भी पॉजिटिव पाया गया है तो वहाँ पे और सख्ती हो गई है, लेकिन वहाँ पे भी यही दिक्कतें हैं। वहाँ भी लोग ज़्यादातर बाहर ही खाने को लेकर डिपेंड है, तो उन्हें भी बहुत सारे तरह की दिक्कतें होती है। उसके बाद हम आते हैं थोड़ी सी रूम रेंट पर बात करते हैं। रूम रेंट को लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं कि किराया रूम और मकान मालिक जो हैं काफ़ी परेशान कर रहे हैं बच्चों को कि रूम रेंट भेजिए। जो बच्चे घर चले गए उन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप मुझे रूम रेंट भेजिए, और जो रह रहे हैं उन्हें भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कह रहे हैं कि आप रूम रेंट दीजिए। वो एक तो दो तीन, एक तो उन्हें खाना सही से नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से रूम ऑनर एक मतलब दबाव बना रहे हैं उन पर किराए के लिए, तो ये दिक्कतें आ रही है। हम लोगों ने ट्विटर स्टॉर्म के माध्यम से काफ़ी सारे मतलब शिकायतें की दिल्ली गवर्नमेंट से, तब जाके अभी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला है और कहा है कि किराया जो रूम ऑनर है वो किराए को परेशान ना करे, छात्रों को परेशान ना करे, लेकिन इसकी भी कुछ खास असर दिख नहीं रहा है। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बेहतर तरीके से किया जाए, और कोशिश कर रहे हैं कम से कम 2 महीने का किराया दिल्ली गवर्नमेंट भरे रूम ऑनर को या फिर माफ़ करवाए छात्रों के लिए। बाकी एक दो चीज़ और भी हैं कि कॉलेज और स्कूल तो बंद हो गई, यूनिवर्सिटीज सारे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस बहुत जगह शुरू है। तो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, कई सारे टीचर अपने सुविधा अनुसार अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, जिसके मार्फत से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। जो दिल्ली जैसे शहर में है वो किसी तरह अपना काम कर निकाल पा रहे हैं, मतलब उन्हें हो जा रहा है जैसे तैसे, लेकिन जो बच्चे घर चले गए हैं उन्हें बहुत सारी दिक्कत, उन्हें नेट की सुविधा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और भी दिक्कतें होती है कि उनके असाइनमेंट में दिया जाता है तो असाइनमेंट के लिए उनके पास किताबें नहीं है, किताब लेके घर नहीं गए हैं तो उनके पास किताबें उपलब्ध नहीं है, तो उसके वजह से एक असाइनमेंट बनाने की दिक्कत होती है। कई सारे यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एग्जाम की पेशकश भी की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बात चल रही है कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। मेरे एक मित्र हैं मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ ऑनलाइन एग्जाम ले लिया गया है मिड टर्म का, और आने वाले कुछ समय में प्रतीत हो रहा है कि फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर की फाइनल एग्जाम भी ऑनलाइन लिया जाएगा। तो एक ये दिक्कतें हैं कि, और वही बता रही थी कि काफ़ी सारे दिक्कत जो मतलब गांव में जो छात्र रह रहे हैं उन्हें दिक्कत ये हो रही है कि वो ना तो असाइनमेंट बना पा रहे हैं और ना ही ऑनलाइन क्लास ले पा रहे हैं, असाइनमेंट तक सबमिट नहीं कर पाए अभी तक, और एग्जाम भी कई लोगों का छूट गया। तो ये बड़ी दिक्कतें आ रही ऑनलाइन क्लासेज में। भारत जैसे देश में ऑनलाइन क्लासेज हम शुरू तो कर दे, लेकिन इसके के लिए जो पर्याप्त सुविधाएं होती हैं हम बेसिक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था कि यूएसए अमेरिका ने लगभग 5 लाख लैपटॉप और टैब्स छात्रों को बांटा है, और जिस हर एक इलाका में छात्रों के लिए पर्याप्त नेट की सुविधा फ्री और बेहतर ढंग से दिया है।
तो वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, इस ये एक बड़ी सवाल है। हम मतलब वेस्टर्न कंट्रीज या फिर टेक्नोलॉजी के नाम पे हम आगे तो बढ़ गए हैं और देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के नाम से हम आगे ऑनलाइन क्लासेस ला तो रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो पर्याप्त सुविधाएं हैं उसमें हम बहुत पीछे हैं। आज भी ऑनलाइन क्लासेज जैसी समस्या, मतलब सॉरी ऑनलाइन क्लासेज जो है वो सिर्फ शहरों तक सीमित है, गाँव तक नहीं पहुँच पाई है। बहुत सारे छात्र नहीं ले पा रहे हैं, उनकी क्लास हो रही है और टीचर भी एक तरह से सहयोग नहीं कर रहे हैं, और टीचर कहते हैं कि मुझे ऊपर से दबाव आया है, आपको इस समय तक असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये एक दिक्कतें आ रही हैं। और ऑनलाइन क्लासेज हम सब जानते हैं कि दिल्ली जैसे शहरों में भी कभी कभी नेट की समस्या हो जाती है, जरूरी नहीं है कि सभी के घर पे वाईफाई लगा हो। हम लोग डेली फोन यूज पे जो डाटा मिलता है उसी पे काम चलाते हैं, तो कभी कभी होता है कि हम हमारा डाटा खत्म हो जाता है तो हम क्लासेज भी नहीं ले पाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें हो रही है। उसके बाद एक दो चीजें और भी है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे लिया जाएगा, इसका अभी तक मसौदा तैयार नहीं हो पाया है, लेकिन लोग मतलब छात्र से भयभीत हो रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करेंगे, मेरे पास किताब नहीं है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं, कैसे करेंगे अब, ऑनलाइन कैसे एग्जाम देंगे, क्या क्या समय होगा, कैसे होगा, इससे पहले कभी वो इस तरह से दिए नहीं है, तो उनके लिए एक बड़ा सवाल है कि कैसे क्या होगा, वो समझ नहीं पा रहे, इस तरह से भी एक मानसिक परेशानियां से जूझ रहे हैं। और बाकी चीजें ये है कि और भी दिक्कतें हो रही हैं, जैसे खाने पीने को लेके हुआ था कि शुरू में मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ यहाँ दिल्ली सरकार ने शुरू में खाना पहुँचाया, लेकिन फिर बाद में वो भी मना कर दिया, मतलब उस तरह से पर्याप्त नहीं हो पाया। फिर यहाँ पे एक चर्च है तो चर्च ने अपने निजी स्तर से कुछ दिनों तो खाना खिलाया छात्रों को, लेकिन अभी पता चला 2-4 दिन से वो भी बंद हो गई है। पता नहीं छात्र कैसे कर रहे हैं, इसकी दिक्कत आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से वो रह रहे हैं। और बाकी चीजें हैं तो अगर अभी अमित भैया ने कहा था कि कुछ सवाल हम लोग पूछेंगे इसका जवाब दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कुछ सवाल पूछेंगे इससे मतलब छात्रों से, तो मैं जवाब दे पाऊंगा। और हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट, प्रकृति लिख रही है कि हॉस्टल में रह रहे स्टूडेंट से बात करने पे बात सामने आ रही है कि ऐसे हालात में मोटिवेशन खोजना मुश्किल है, ऐसे में प्रोडक्टिविटी तो मैथ ही लग रही है। सही कह रहे हैं आप, मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं वो कह रहे हैं कि वो हॉस्टल में ऐसे लग रहा है जैसे उसे घुटन सी महसूस हो रही है, एक कैद सा कर दिया गया है, उन्हें बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा है। कई सारे मित्र बता रहे हैं कि उन्हें बाहर स्पेस ग्राउंड है वहां से भी रोका जा रहा है, बाकी हॉस्टल से बाहर निकलना तो बिल्कुल ही मतलब अलाउ नहीं है। और एक दो दोस्त हैं जो हॉस्टल से बाहर रह रहे हैं अभी अपने, जब हॉस्टल दिल्ली विश्वविद्यालय की हॉस्टल जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाला था कि हॉस्टल खाली करने के लिए, तो कई सारे छात्र अपने जब मित्र के पास चले गए तो उन्हें लगा कि अब हॉस्टल में लोग रह रहे हैं तो वो वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें होती है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि मैं कैसे दिन काटता हूँ, इस पर मैं थोड़ा सा बात करूँ। मुझे लगता है कि हम छात्र लोग ऐसे ही अपने जीवन काटते हैं, सोते खूब हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं। मैंने इस बीच में लगभग बहुत सारी वेब सीरीज देखी है, फिल्में देखा है, कुछ किताबें पढ़ा है हमने, उपन्यास पढ़ी है एक दो, और सबसे दिक्कतें हो रही है कि हम अपना थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे, थ्योरी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं पढ़ पा रहे, पता नहीं अजीब सी परेशानी सी मतलब महसूस होती है जब भी किताब खोलते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। अरे मेरे साथ एक और भी समस्या आई है सामने, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि मेरा बैंक अकाउंट इलाहाबाद बैंक का है और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हुआ है अभी हाल फिलहाल में 1 अप्रैल को, काफी सारे बैंक जो है एक दूसरे बैंक में मर्ज हुआ है, जिसके वजह से जो मेरा जो इलाहाबाद बैंक का खाता है उसे मतलब सभी तरह के ट्रांजेक्शन को बंद कर दिया गया है, हम एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, और इससे मुझे काफी दिक्कतें हो रही है। मैंने कई सारे दोस्तों से पैसे लेके काम चला रहा हूँ तो ये एक दिक्कतें हो रही है। इसी समय हमने कई सारे पिछले 4 दिन से मैं लगातार ट्वीट कर रहा हूँ इंडियन बैंक को, इलाहाबाद बैंक को, कंप्लेन किया अपने ब्रांच में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। डेली ट्वीट के वो जवाब दे रहे हैं लेकिन उस पर कुछ ऐसा जवाब नहीं होता जिससे हमारा समाधान हो सके, तो ये एक बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि मेरे ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको इस तरह की दिक्कतें हो रही है, छात्र के अलावा आम जनता भी है जिनको इस तरह की दिक्कतें हो रही है। मेरे पिताजी घर बैंक पर गए थे तो काफी भीड़ थी बैंक पर,
पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं है, तो काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको निपटाने की, बाकी देखिए क्या होता है। बाकी आप लोग अपना अनुभव भेजिए हम आगाज के साथ, हम आगाज के फेसबुक पेज से लगाने की कोशिश करेंगे। आप छात्र लोग से अपील है कि हम युवाओं साथियों से अपील है कि आप सभी अपने लॉकडाउन के अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए, हम उसको शेयर कर जरूर करेंगे। और अमित भैया आप जुड़ गए हैं तो आप बता रहे थे कि आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो पूछिए प्लीज। कुणाल जी हमारे मित्र हैं, दरभंगा से हैं, अभी गांव में हैं, लिख रहे हैं मेरे गांव में साइबर कैफे भी नहीं है और फोन का नेटवर्क तो सब जान ही रहे हैं, तो ना हम ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं ना ही क्लास कर सकते। अच्छा, एडमिशन से मुझे एक चीज़ याद आया कि बहुत सारे हमारे मित्र हैं और साथी हैं जो इस समय ग्रेजुएशन फाइनल में थे या पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल में थे, उन्हें रिसर्च मेथोलॉजी रिसर्च में एडमिशन लेना था या फिर पीजी में एडमिशन लेना था। इसकी एक दिक्कत हो रही है कि अभी जो छात्रों की एक जो एक मानसिक मतलब परेशानियां हो रही है, इसका एक कारण यह भी है कि हम भविष्य की अनिश्चितता को लेके मतलब बहुत ही परेशान है, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि आगे क्या होगा और आने वाली जो समय होगी उसमें हम कैसे एडजस्ट करेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो तुरंत अभी हम स्कूल कॉलेज समय सामूहिक तौर पे पढ़ते रहे हैं, ये अचानक ऑनलाइन क्लास में बदल गया है, जिसमें हम सिर्फ इमोशन तो नहीं है, हम एक दूसरे के चेहरा देख के और सुन सकते हैं अपने टीचरों का लेक्चर, बस ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये एक समस्या है कि इसके बाद जो समय आएगा पता नहीं कितना समय तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलेगी और उसमें कैसे क्या होगा, लेकिन इसके अलावा जो समय आएगा उसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसको कैसे हम उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये एक अनिश्चितता की सवाल जो है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है हम जैसे छात्रों के लिए। अशोक भैया पूछ रहे हैं कि इधर क्या पढ़ रहे हो। भैया मैं अभी गुनाहों का देवता फिर से पढ़ा हूँ, दोबारा पढ़ा हूँ, और दूसरा मैं अंबेडकर को इस बीच में काफी पढ़ा हूँ और अभी कुछ अपना एकेडमिक भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, नेट का फॉर्म भर रहा हूँ तो JRF के लिए कुछ पढ़ रहा हूँ और दूसरे कुछ कुछ एक दो रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, तो उसी पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। और दूसरा अमित भैया लिख रहे हैं देश भर में कई जगहों पर हॉस्टल में फंसे हुए हैं, कई बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं, क्या लगता है इससे बच्चों के आर्थिक मैनेजमेंट पे कुछ परिवर्तन होगा। अच्छा अमित भैया मैं आपको एक दो केस बताऊंगा, आज पटना का एक केस है, मतलब घटना हुई है कि कोटा में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष जो मनोज यादव, उन्होंने आज हॉस्टल गेट के यूनिवर्सिटी गेट के मेन गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें दिल्ली बिहार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये एक बड़ी बात है, बिहार सरकार को जहां कोटा में और देश भर में जहां जहां छात्र फंसे हैं उन्हें मदद करनी चाहिए, उन्हें वहां से निकालना चाहिए, वो निकालने के बजाय उन्हें जो छात्र उनको याद दिला रहे हैं कि आपका ये काम है, आप बच्चों जो फंसे हुए उनको निकालिए, उसके बदले उनको अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी एक घटना मैं कल एक वीडियो देखा था, एक हमारे साथी ने दीपक जी ने भेजा था कि JNB अररिया की 23 छात्र जिसमें 15 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं, वो माइग्रेशन कोर्स के लिए एक साल के लिए केरल गए थे, केरल माही JNB में, वहां से वो उनकी 21 मार्च को उनका एक साल पूरा होता है और वे लोग अररिया वापस बिहार वापस आने के लिए निकलते हैं और 21 मार्च से जब उनका ट्रेन होता है चेन्नई से, तो जब चेन्नई पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन पर तो उन्हें पता चलता है कि ट्रेन कैंसिल हो गया, फिर वो वहां से तमिलनाडु की किसी JNB में पांडुचेरी जगह है एक तमिलनाडु में, वहां जाके वो वहीं JNB में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि उन्हें काफी सारी चीजों का दिक्कत हो रहा है, वो एक मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें खाना सही से नहीं मिल पा रहा है, एक कमरे में सभी लोग रह रहे हैं और बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें निकाला जाए। इस पे एक मैं आप सभी को माध्यम से चाहूंगा कि इस पे बिहार सरकार से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर उन तक सूचना पहुंचाए, काफी सारे न्यूज भी रिपोर्ट हुई है तो कि उस बच्चियों को और जो छात्र है उनको निकाला जाए। दूसरी एक और घटना है कि हमारे एक मित्र हैं तो वो उन्हें 1,000 रुपया बिहार सरकार की तरफ से मिला है, तो वो एक कह रहे हैं कि इससे बहुत कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 महीने हैं और उनके पिताजी की भी आर्थिक स्थिति जो आर्थिक स्रोत था वो जा चुका है,
खत्म हो गया इस लॉकडाउन की वजह से, तो उनके पास दिक्कतें हैं, तो वो चाह रहे हैं कि किसी और तरीके से उन्हें मदद मिले। तो एक ये बिहार सरकार से अपील है कि एक महीने के लिए और लोगों को मदद की जाए। बाकी एक दो चीज़ और भी है कि मैं देखा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कल 82 बसें भेजकर अपने 2247 छात्रों को कोटा से लाने के लिए 82 बसें भेजी है, लेकिन बिहार सरकार ने इसके लिए साफ तौर पे मना कर दिया है, वो कहीं से किसी तरह के छात्रों को और मजदूरों को नहीं ला रहे हैं। ये एक बड़ी दिक्कत हो रही है छात्रों को, और अलग अलग तरह के परेशानियां आ रही है लोगों को। इस समय अपने परिवार के साथ होना चाहिए, वो अकेले बहुत ही तरह की दिक्कतें को जूझ रहे हैं। हमारी साथी लीला वो लिख रही है, ऐसा लग रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। साल भर वेट किया एंट्रेंस देकर, पीजी एडमिशन हो जाए, अब साल भर का मोटिवेशन बिकर गया बिकर गया। सही कह रही हैं आप, क्योंकि अभी सभी छात्रों को लेकर एक अजीब सा दिक्कतें हो रही है सबको, कि पता नहीं आगे भविष्य में क्या होगा, नहीं होगा, कब एडमिशन होगी, कब सब कुछ ठीक होगा या होगा या भी नहीं। ठीक है, बस यही है। बाकी एक दो चीजें और भी हैं, बताता चलो कि हम कुछ साथी आगाज के और DSU के, ऐसा के और तमाम तरह के कुछ जो हमारे ऐसे संगठन हैं, वो लगातार मजदूरों और छात्रों के बीच में काम कर रहे हैं। और हम लोग लॉकडाउन के शुरुआत के समय से ही और लगातार काम कर रहे हैं। अशोक भाई ने हम लोग के लिए काफ़ी सारे मदद किए हम लोग के लिए, और काम करने के प्रेरणा स्रोत हैं, और हम सब ने मिलकर काफ़ी लोगों तक मदद पहुंचाई। मेरे अनुमान में मैं जितने लोगों तक मदद पहुँचाऊँ, आंकड़ा खोते तकरीबन 2000 लोगों तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे हमने मदद पहुंचाई है। तो ये एक बड़ी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी हमें तमाम तरह की दिक्कत हुई कि हम लोग जब हमारे कुछ DSU के साथी जब ग्राउंड पे उतर के खाना राशन पहुंचाने जा रहे थे, तो उन्हें बाकायदा पुलिस सहयोग करने के बाद उन्हें मार रहे पीटे, काफ़ी सारे साथियों को डंडे से अच्छे मतलब मारा गया, काफ़ी सारी चोटें आई हैं। तो ये सरकार की भी लापरवाही है, तो सरकार कुछ कर नहीं रही है बड़े स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे कर रही है जो बहुत लोगों तक फायदा नहीं पहुंच रही है। तो एक बड़े स्तर पे कर नहीं रही, हम कुछ हमारे ऐसे कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो उन्हें भी मदद देने के बजाय उन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें कर रहे हैं। हाँ नीरज भैया पूछ रहे हैं कि मानसिक तनाव से कैसे खुद को टेल कर रहे हो। भैया मैं सोता ज्यादा हूँ आजकल, जो सच है, और कोशिश करता हूँ कि फिल्में देखकर और किताबें पढ़ के उसे दूर करूं। बाकी आप लोग है तो मदद मिल जा रही है, आप लोगों से फोन पे बात हो जा रही है, तो मेरा समय गुजर जा रहा है और मैं खुद को कोशिश मतलब बेहतर कर पा रहा हूं। कभी कभी कोशिश करता हूं बीच में थोड़ी सी सब्जी लेने के बहाने आसपास टहलूं, तो हो जा रहा है। ठीक है, अमित भैया लिख रहे पांडुचेरी नवोदय में है, चूंकि नवोदय सुविधा होती है तो हाँ वही भैया वही दिक्कत है, वहाँ के खाने और भाषाओं को लेकर ज्यादा दिक्कतें हो रही है वहाँ के छात्रों को। उन्होंने वीडियो पे साफ तौर पे इस चीज का जिक्र किया है। जी अशोक भैया लिख रहे आरंभिक दौर में तुम लोगों ने जिस तरह लोगों की मदद की है उसके बारे में भी बताओ। जी भैया मैं वही बता रहा था कि आप ने हमें बहुत ही ज्यादा सहयोग किया हर एक तरह से, चाहे वो प्रेरणा स्रोत हो, आर्थिक तौर पर और बाकी तरह की चीजों से हो। तो उस चीज में हम लोग जब लोगों से बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं उन्हें, मतलब जबकि मैं ये लॉकडाउन के शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूँ, उन्हें पता नहीं था कि ये कब तक चलेगा और क्या होगा। और क्योंकि वो जो न्यूज, वो लोग सभी लोग जो न्यूज के मार्फत से बाहर की स्थिति देखे थे ना, उससे सभी लोग अंदाजा लगा लिए थे कम से कम 3-4 महीना ऐसा चलने वाला है। तो इसलिए वो लोग बहुत ही परेशान थे। जब भी फोन करते थे ना, कई सारे लोग रो देते थे, हम लोग को रोना आ जाता था फोन पर। हमारे काफी सारे साथी जब फोन कर यही ऐसे ही अनुभव बताते थे कि वो लोग बहुत ही परेशान है। हम अपनी बेहतर तरीके से उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश करते थे, काफी सारे लोगों ने हमारी मदद की, फिर उसी मार्फत से हम अलग अलग रूप में और साथियों तक मदद पहुंचाए हैं। तो वो एक बेहतर अनुभव था भैया, सच में मतलब अच्छा लग रहा था कि हम लोग मदद कर रहे हैं। और अभी भी कुछ अभी थोड़ा केसेस कम आने लगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचे। जो हमारे आते हैं हम लोग पास, हम कोशिश करते हैं उन लोग मदद पहुंचाने की। हम लोग के पास भी पर्याप्त मतलब सुविधाएं हैं, तो उसी मतलब रूप में हम लोग मदद कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग के पास भी संसाधन लगभग खत्म सा हो गया है, तो फिर भी आता है तो हम लोग
अपने इंडिविजुअल स्तर से कुछ बड़ों भाइयों को, कुछ टीचरों को, अशोक भाई को, नीरज भैया को और कुछ साथियों को फोन कर करके हम मदद ले लेते हैं और उनके मार्फत से मदद हम पहुंचाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया और मेरा ये फेसबुक पे पहला लाइव था तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल भी नहीं पाया, लेकिन ठीक रहा, आगे फिर आता रहूंगा। फिर रखता हूँ, चलिए बाय, सभी को नमस्कार और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन में किताबें पढ़े लोग, फिल्में देखें और हो सके तो कुछ गेम खेले छतों पे जाके आसपास के स्पेस में, यही कहूँगा। और तमाम तरह की कोई दिक्कतें हो हम लोग तो हम लोग हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे का अनुभव साझा कर सकते हैं। ठीक है, बाय।